हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स को किसी भी फ्री रिसोर्सेज वाले प्लेटफॉर्म पर अगर आप प्रमोट करते हैं, उदाहरण के तौर पर मान लो कि आप एक वेट लॉस से संबंधित आपका एफिलिएट प्रोडक्ट है और आप उसको किसी फेसबुक ग्रुप में प्रमोट करना चाहते हैं। अब कहने को तो फेसबुक ग्रुप में 2.5 से 3 लाख मेंबर्स हैं, पर जब आप अपना एफिलिएट लिंक और वो कोई पोस्ट वहाँ पर डालोगे, तो अगर आप डायरेक्ट लिंक डालते हो, बिटली वगैरह का यूज करते हो किसी लिंक शॉर्टनर का, तो फेसबुक वैसे ही आपको ब्लॉक कर देगा। दूसरा कारण हो सकता है कि आपने पोस्ट में आपने कोई लैंडिंग पेज का इस्तेमाल किया, गूगल साइट्स का इस्तेमाल किया, आपने लिंक डाला वहाँ पर, तो ऐसे में एडमिन आपकी पोस्ट को अप्रूव ही नहीं करता, तो फिर आप 2.5 लाख 3 लाख मेंबर्स का फायदा नहीं उठा सकते। ये एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, मेरे को कई बार इसके कॉमेंट्स भी मिले हैं। तो काफ़ी रिसर्च के बाद एक यूनिक स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके जरिए आप किसी भी सोशल नेटवर्क पर, जो भी मैंने ऑलरेडी आपको हजारों मतलब बहुत सारे आपको ट्रैफिक सोर्स बता रखे हैं, वहाँ पर अपन क्या करते हैं, अपना लिंक पोस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। अगर लिंक पोस्ट करते हैं तो वो अप्रूव नहीं होता, ब्लॉक हो जाता है। तो आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जहाँ पर आप किसी भी सोशल नेटवर्क पर अपना एफिलिएट लिंक प्रमोट कर पाएंगे, कोई ब्लॉक नहीं होगा, कोई आपको रोकेगा नहीं, आपकी पोस्ट डिसअप्रूव नहीं होगी, सब लोगों तक आपकी पोस्ट पहुँचेगी। ऐसे में कितना बड़ा फायदा आपको हो सकता है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे तो चैनल का मोटो यही है कि जो लोग फॉरेनर मार्केटर्स हैं, अपने एशिया कंट्री के बाहर के जो सक्सेस मार्केटर्स हैं, वो लोग क्या नई स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं, किस किस जरिए से वो लोग हैं ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, उनको तलाशना, उन पर रिसर्च करना और आप तक पहुँचाना। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको सारे ही नए अपडेट्स मिलते रहें। हर रोज़ वीडियो यहाँ पर अपलोड होती है। चैनल पे आएंगे तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे ट्रस्टेड सोर्सेज पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं कि ये हम किस तरीके से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अभी आपके समय ना आपके सामने मैंने क्या कर रखा है, फेसबुक का एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो। इस ग्रुप का नाम है मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, फॉर स्टूडेंट। अब इसमें कितने 34-35 हज़ार मेंबर है, 34 हज़ार से ज़्यादा मेंबर हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर अपना कोई पोस्ट डाला, जैसे इन लोगों ने यहाँ पर पोस्ट डाल रखा है, अगर मैंने यहाँ पर अपना पोस्ट डाला और सिर्फ पोस्ट डालूंगा तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं, इनिशियली जल्दी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मैंने लिंक नहीं डाला। लेकिन अगर मैं लिंक डालता हूँ, पोस्ट करता हूँ, पहली बात तो फेसबुक खुद ब्लॉक कर देगा, ठीक है। दूसरी बात कि एडमिन जो है वो अप्रूव नहीं करेगा। तो इस समस्या से बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि हमारी रीच, अब 34 हज़ार मेंबर हैं तो एटलीस्ट 10 हज़ार लोगों से तो हमारी रीच हो। तो इसके लिए ना कुछ नया तरीका है, एक मार्केट में चल रहा है, अभी के लिए नया है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करिएगा। तो इसके लिए अपन एक नई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब मैं उदाहरण भी ले लेता हूँ यहाँ पर। उदाहरण के तौर पर मान लो कि अगर आप कोई भी अपना एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, कोई भी हो, चाहे अमेजोन हो, क्लिक बैंक हो, कोई होस्टिंगर हो, मतलब जो भी है होस्टिंग से संबंधित कोई भी हो प्रोडक्ट, तो उदाहरण ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। क्लिक बैंक के मार्केट प्लेस पे हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये ग्रुप जो है वो है मेक मनी ऑनलाइन पर। तो ऐसे में मैं यहाँ पर एक पोस्ट लिखूंगा, यहाँ पे देखिए, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट पब्लिक पोस्ट। यहाँ पर मैंने एक पोस्ट लिखी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पर कोई लिंक देने की जरूरत नहीं है आपको, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ मैंने लिखा हुआ है हेलो डियर, जैसा कि ये ग्रुप जो है वो मेक मनी ऑनलाइन पर है, इस बात को आप ध्यान में रखें। जो भी आपका नीच, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, आप अपना टेम्पलेट, आपका मैसेज उस हिसाब से बनाएंगे। आप सब स्मार्ट हैं, हर वीडियो में आपको कहता हूँ, आप अपना दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा, ठीक है। अच्छे से अच्छा टेम्पलेट आप डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हेलो डियर, आर यू लुकिंग टू मेक मनी ऑनलाइन थ्रू मोस्ट ट्रस्टेड वे एफिलिएट मार्केटिंग एब्सोल्युटली फ्री, देन सेंड मी अ मेल, हाई आई एम इंटरेस्टेड ऑन example@gmail.com। यहाँ पर आपको एक अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, एंड आई विल सेंड यू अ फ्री एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग वेबिनार लिंक, सो हरी अप। तो ये मैंने लिखा है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, और ये ग्रुप जो है वो इसी टॉपिक पर है, तो कोई एडमिन इसे रोक नहीं सकता, कोई पॉलिसी इसे रोक नहीं सकती, क्योंकि हमने कोई इसमें वॉयलेट नहीं किया है, कोई लिंक दिया नहीं है इसमें, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपकी नीड है वो आपकी नीड है कि आप एक नया ईमेल अकाउंट बनाओगे, नया बनाओगे, इस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है। वो आप यहाँ पर डालोगे। अब यहाँ पर हमने कोई लिंक दिया नहीं है और इसको आपने पोस्ट कर देना है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो लोग इंटरेस्टेड है, अब मैंने इसको मान लो पोस्ट कर दिया, अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो क्या करेंगे, आपको मेल करेंगे। वो बिजली उस ग्रुप में वही मेंबर है ना जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, जो उसमें इंटरेस्टेड है, अब वो आपको मेल करेंगे कि आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। मान लो कि 35 हज़ार मेंबर है, उसमें से 500 लोगों ने भी आपको मेल किया, तो अब आप क्या कर सकते हो, अपना एफिलिएट लिंक का लिंक जो है उसे भेज सकते हो। उदाहरण के तौर पर मानो यहाँ पे देखो कि ये एक प्रोडक्ट है जिसको कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ,
हर एक प्रोडक्ट, मान लो कि उदाहरण पर ये प्रोडक्ट है, ठीक है ठीक है, तो हमने अब ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि उसके बाद आपको क्या करना है, एफिलिएट सोर्स पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एफिलिएट सोर्स पेज पे क्लिक करोगे, ये एफिलिएट सोर्स पेज है, इन्होंने एक मेल के टेम्पलेट यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपको कहीं नहीं मिलते हैं तो यहीं कहीं ऑप्शन होता है ईमेल स्वाइप्स, आपने उस पर क्लिक करना है, ये मेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये मेल आपको उन्हें सेंड करना है। जब वो बंदे आपको ये कहेंगे कि यस आई एम इंटरेस्टेड, वो आपको मेल करेंगे ना उस ईमेल एड्रेस पर, तो ये मेल अपने आप उनके पास जाए ऑटोमेटेड। तो ये हम सेटिंग कर सकते हैं, ये कैसे करना है वो देखते हैं। तो इसके लिए आपने अपना ईमेल जो है वो ओपन कर लेना यहाँ पर, और सिंपली आपको अपने यहाँ पर गियर का आइकन मिलेगा ना सेटिंग का, उस पर क्लिक करना है। ये काम आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आपका सेटिंग का ऑप्शन है मोबाइल में, वहाँ पर क्लिक करें इस सेटिंग वाले पर, यहाँ पर देख सकते हो आप, और आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आपको स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे चले जाना है। अब यहाँ पे देखिए, जो जो लोग इसके बारे में जानते हैं ना, वो भी ध्यान से देखिएगा, जो आप सोच रहे हैं ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ दी हुई ऑप्शन क्या है, आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई, ठीक है। तो हम अगर इस ऑटो रिप्लाई को ऑन कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंड्स एन ऑटोमेटेड रिप्लाई टू इनकमिंग मैसेज इफ़ ए कॉन्टैक्ट सेंड यू सेवरल मैसेजेस, दिस ऑटोमेटेड रिप्लाई विल बी सेंड एट मोस्ट वंस एवरी 4 days। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में। यहाँ देखिए, आने वाले संदेशों के लिए एक स्वचालित उत्तर भेजता है, यदि कोई संपर्क आपको कई संदेश भेजता है तो यह स्वचालित उत्तर प्रत्येक 4 दिनों में एक बार भेजा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ये संदेह हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये अगर कोई बंदा 4-5 बार आपको ईमेल करेगा तो ये हो सकता है कि उत्तर भेजे, या फिर 4 दिन में एक ही रिप्लाई करे, ऐसा कुछ हो सकता है, जो कन्फ्यूजन है प्रैक्टिकली मैंने अभी तक नहीं किया। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, देखिए, एक तो हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, इसको मैंने ऑन कर दिया। इसके लिए अपन जाएंगे जो अपना ईमेल स्वाइप था, आपको ईमेल स्वाइप कहाँ से लेना, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना, जो भी आप हेडिंग अपने हिसाब से दे सकते हैं, सब्जेक्ट अपने हिसाब से दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, इसको आप सब्जेक्ट में डाल दीजिए। उसके बाद ये जो पूरा आपका एफिलिएट ये जो टेम्पलेट है इसको आप यहाँ से कॉपी करिए, और लिंक तक कॉपी कर लेने के बाद आपको यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट में इसे पेस्ट कर देना है। ओके, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप अपना एफिलिएट लिंक डाल दीजिए। अब आप अपने एफिलिएट लिंक को जनरेट कर लीजिए यहाँ से। और एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी अपना एफिलिएट लिंक जनरेट करते हो तो आपने क्या करना है, लैंडिंग पेजेस का इस्तेमाल करना है, आप लिंक शॉर्टनर का इस्तेमाल करें, यानी कि आपका लिंक अच्छा होना चाहिए। कई जगह डायरेक्ट लिंक ब्लॉक हो जाता है तो फिर आपकी मेहनत किसी काम की नहीं रहती, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, ठीक है, ये चीज़ समझ के चले आप। अब मैंने अपना लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, सेंड ओनली रिस्पॉन्स टू पीपल इन माई कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, इस पर टिक नहीं करना, जो हमारे कॉन्टैक्ट में वरना उसी पर जाएगा। अब देखिए, जब कोई बंदा उस मैसेज को फेसबुक ग्रुप में देखेगा, ठीक है, और वहाँ पर हमने अपना ईमेल एड्रेस दे रखा है, तो वो जो इंटरेस्टेड होगा वो हमें मेल करेगा, यस आई एम इंटरेस्टेड, तो मेल को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होगा, अपने आप ये जो मेल है ना उनके पास चला जाएगा। इसमें अपना एफिलिएट लिंक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी एक लिंक दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर भी इसे रिप्लेस कर देंगे। आप अच्छे से अच्छा ईमेल का चुनाव करें जो हाई कन्वर्टिंग हो, अच्छा लिखा हो जिसके अंदर, ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से अच्छा है। इस तरीके से हमने सारा काम ऑटोमेटेड यहाँ से कर दिया। अब कोई बंदा जब मेल करेगा तो ये अपने आप उसको भेज देगा, पर एक बात आप ध्यान में रखें, अगर ये नहीं भेजता है, जो मैंने समझाया आपको कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे में अगर आप मैनुअली भी भेजते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप मैनुअली भी ये कर सकते हैं। किसी बंदे का मैसेज आया आपको, उसने कहा कि आई एम इंटरेस्टेड, तो आप उसको मेल भेज दीजिए, कॉपी करके रख लीजिए टेम्पलेट कहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगता ईमेल करने के लिए, ठीक है। अगर आप फ्री में कमाना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से तो ये एक नई ट्रिक है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी यार, चाहे आप फ्री में कमाएं चाहे आप पैसा देके कमाएं, पैसा दोगे तो आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। अगर आप फ्री में कमाते हो तो कमा सकते हो भाई, ऐसा नहीं कि नहीं कमाते लोग, पर आपको वहाँ मेहनत डबल करनी पड़ती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। आप किसी भी सोशल मीडिया पर इस तरीके से अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, आप वहाँ पर किसी एफिलिएट लिंक को प्रमोट मत करिए, वहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दीजिए और इस तरीके से आप ऑटो रिप्लाई वहाँ पर लगाइए, आप मैनुअल रिप्लाई भी कर सकते हैं, कहीं पर भी आपका कोई लिंक ब्लॉक नहीं होगा, जितनी संख्या में वहाँ पर ग्रुप है वहाँ तक आपकी रीच हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी प्रकार की विश्वसनीय अपडेट्स वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं जल्दी ही मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।